नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ मरोली। नवसारी वाला जो रोड है ना, नवसारी वाले रोड पे ही अपने पास में जो है श्रीकंठ रेसिडेंसी 2 ये आया हुआ है। और यहाँ पे जो एक वीडियो में पहले से ही बनाया था, आपको वो दिखाया भी था। और ये हाईवे के एकदम जस्ट एकदम करीब है, नवसारी जो हाईवे है उसके करीब है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं पहली बात तो ये बता दे रहा हूँ कि मेन रोड इसमें जो बनाए हैं लोग 40 फुट का, और अंदर में जो है आपको 25 फुट का रोड रहेगा। और अभी जो है इस टाइम में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अभी तो ये खाली है, लेकिन इसमें तैयार भी मकान आपको मिलेगा और आपको ओपन प्लॉट भी मिलेगा। तो सब इसमें जो है प्रक्रिया रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके के इससे जो है यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, तो अभी इसका डेवलप का काम चालू करने का है। देखिए ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, ये रोड रहेगा। तो ये 40 फुट का रोड हो जाता है। उधर भी एंट्री एक रहेगा, जैसे मान लीजिए 12x36 का, 20x36 का, अलग अलग साइज है सब। और देखिए वो कॉर्नर पे जो है वो ये आपको दिखता होगा, तो कॉर्नर पे जो है वहाँ पे गार्डन, एक गार्डन उधर है, 3 गार्डन इसमें है। और ये बाउंड्री देखिए, अभी बाउंड्री लग रही है। ये पूरी ज़मीन है, ओपन प्लॉट भी, अभी तैयार मकान भी इस साइड में जो है ना तैयार बना के मकान बेचेंगे। ये जो है ऑफिस आपको दिख रहा है, और ये जो है ये गार्डन इधर है। तो ये गार्डन भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का, अभी लोग अभी तो सजाने का बाकी है, लेकिन ये गार्डन की जगह है। और ये ओपन प्लॉट रहेंगे सब। और ये जो है देखिए, ये गार्डन अभी पेड़ वेड़ लगाना चालू कर दिए हैं लोग। तो मैं सोचा एक बार नया अपडेट श्रीकंठ 2 का मैं दे देता हूँ। और यहाँ से जो है मैं ऊपर में ऑफिस के ऊपर चढ़ के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इधर का एरिया किस तरीके का है, क्योंकि बिना देखे तो आपको मालूम नहीं होगा। देखिए ये सब छड़ ओड पूरा रखा हुआ है, मैंने कोलम भी ये सब करने वाले हैं, सब डेवलप का काम चालू करने वाले हैं। तो ऊपर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का सीन कि किस तरीके का यहाँ पे क्या सीन है। तो आप जब जा देखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना देखे कुछ होता नहीं है। मैं आ गया हूँ ऑफिस के ऊपर। ऑफिस में आप देख सकते हैं, देखिए इधर से जो है चारों तरफ से आपको बंगला दिख रहे हैं। ये बंगला दिख रहा है ना, ये जो है नवसारी का जो हाईवे है, जो यही है तो हाईवे है। और ये जो है रोड, तो ये 80 फुट का रोड आएगा। और इधर देख रहे हैं, और इस टाइम इधर भी देखेंगे तो पूरा मकान बने हैं, ये भी फ्लोटिंग है। तो इस तरीके का यहाँ पे है। तो अभी ओपन प्लॉट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और एकदम हाईवे के करीब में है, तो आप ले सकते हैं। और दुकान भी चाहेंगे तो दुकान भी मिल जाएगा, लेकिन सबका अलग अलग रेट रहेगा। और रेट मैं बता नहीं सकता हूँ, जब आप आएंगे यहाँ विजिट करने तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा और विजिट करा दूँगा। तो अंदर चलते हैं, ऑफिस में लोग बैठे हैं, उन लोगों से थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ, जो इन्वेस्टर हैं उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि क्या रेट है, किस तरीके का है, तो आपको खुद मालूम पड़ेगा। तो पहले चल के नक्शा भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके की सोसाइटी है। ऑफिस में आ गए और यहाँ पे जो है नक्शा भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए विजिट करने के लिए भी आए हैं। पहले तो है, आप पहले नक्शा देख लीजिए। ये जो अपना श्रीकंठ 2 का नक्शा है, जो इन्हें टाइटल क्लियर किया रहता है उस तरीके का इसमें, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दुकान आ जाता है। ये साइज सब दुकान है, और इधर जो है पूरा मकान आएगी। और इधर मेरे हिसाब से अभी बनाएंगे लोग, बना के भी बेचेंगे, तैयार मकान भी आपको चाहिए तो मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, उनसे थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ। मिश्रा जी, आप श्रीकंठ 2 के बारे में बताइए क्या क्या है। श्रीकंठ 2 सूरत नवसारी हाईवे से टच प्रोजेक्ट है, और इसके अपोजिट जस्ट इन फ्रंट आप आपको ओम शांति ओम बंगलोज हैं। राइट साइड में ब्लू वर्ल्ड बंगलोज है, और पीछे के साइड में गुरहम, चारों तरफ बंगलोज और फॉर्म हाउस से घिरा हुआ प्रोजेक्ट है। बीच में ये
आती है, बिल्कुल एकदम हाईवे से सटा हुआ है। 12x36 का क्या रेट आप दे रहे हैं अभी? 12x36 का हमारा रेट है 6 लाख रुपये। जी, 12x36 का 6 लाख है। इसमें हफ्ता सिस्टम भी रखते हैं कि कैश में दे रहे हैं? नहीं, ये कैश में रहेगा। अगर कोई 24 महीने के इंस्टॉलमेंट में जाता है तो 1 लाख रुपए उसको देना है और बाकी का 24 महीने में पेमेंट करना है। मैंने 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऐसा ना? 1 लाख एक्स्ट्रा नहीं, 50,000 पैसा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें आपका एनए टाइटल क्लियर है? हाँ, एनए टाइटल क्लियर है, प्लान पास है। तो आप कोई तुरंत पैसा देता है तो आप तुरंत दस्तावेज कर देंगे? हाँ, दस्तावेज कर। तो यहाँ पे मिश्रा जी जो बैठे हैं, ये मेन यहाँ पे लीडर हैं और इन्वेस्टर भी हैं, बिल्डर भी हैं। तो आप इनसे इनके जुबानी बात सुन ली हैं, और यहाँ पे दीपक भाई भी हैं, उनसे भी मैं थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ क्योंकि ये भी इन्वेस्टर ही हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। श्रीगंध रेसिडेंसी 2 है जी, और जो आपने लोकेशन मिश्रा जी ने बताया जी, नौसारे हाईवे के पास है। बहुत लाइव लोकेशन और अच्छे लोकेशन में है, न्यू डेवलपमेंट एरिया है जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट जो है कम समय में ले सकते हैं। साइज अपने पास 12x36, 18x36 और 14x60 का भी प्लॉट की साइज है। कुछ समय के अंदर हमने इसमें बांध काम करके भी सेल करेंगे। अभी हमने ओपन प्लॉट दे रहे, जो 12x36 आपको कैश पे 6 लाख में मिलेगा, और वही अगर 24 महीना का हफ्ता सिस्टम यानी ईएमआई सिस्टम पे आप लेते हैं तो उसमें आपको आएगा 6,50,000। इसके अलावा अपने पास 14x36 का साइज भी है जो आपको कैश में आपको 6,51,000 पे मिलेगा, और अगर इंस्टॉलमेंट पे आप ले रहे 24 महीना पे तो आपको 7,11,000 के पड़ेगा। अच्छा, टाइटल क्लियर प्लान है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दुकान जो है, दुकान के साइज अलग अलग सब क्या क्या साइज है? दुकान का जो साइज आपका है उसमें आपका प्लॉटिंग हमने ओपन प्लॉट ही दे रहे हैं, जो अपने प्लॉट होल्डर लेगा वो अपने बाद में दुकान साइज कर सकते हैं, जिसमें अपने 12x60 का भी है, 12x48 है, 12x50 है, अलग अलग साइज है उसके अंदर। और वो आपके आगे और पीछे दोनों साइड पे आपको रोड अवेलेबल है, जबकि जो गवर्नमेंट रोड है लगभग 30 फुट का है, और अपने सोसाइटी का रोड जो है 25 फुट का, दोनों के बीच पे ये दुकान की तो गार्डन क्या क्या आप डेवलप यहाँ पे? इसमें आपको कॉमन डेवलप मिलेगा जिसके अंदर आपको हमने रोड बना के दे रहे 40 फुट का, सोसाइटी का मेन रोड है जी, और जो अंदर का जो रोड आपको आएगा लगभग 25 फुट का रोड है, 3 COP गार्डन दे रहे, उसमें कॉमन डेवलप बाउंड्री और आपके गेट आएगा, जिसके बाद अपने जो प्लॉट ओपन प्लॉट जिन्होंने लेगा उसका ओपन प्लॉट के जो मार्जिन करके हम उसमें ये लगा के बाउंड्री लगा के, बाउंड्री नहीं आएगा उसमें पिलर लगा के हम अलग अलग करके दे देंगे जी, जिसको पार्टी को आगे चल के तकलीफ ना हो कि उनका प्लॉट उनको मालूम पड़े। अच्छा, वो दस्तावेज आप दस्तावेज जैसे करा रहे हैं तो दस्तावेज कराने के बाद में कोई होम लोन पास कराएगा तो हो जाएगा? एन ए टाइटल क्लियर प्लान है, G+1 का पासिंग भी है अपना, और अगर कोई प्लॉट दस्तावेज करने के बाद उनको अगर मकान बनाना है, होम लोन करना है, और हमसे वो लोन ले सकते हैं जी, लोन भी हम करा सकते हैं, अगर डायरेक्ट वो कराए उनको सारे पेपर हम अवेलेबल करा देंगे जी। तो आप लोग सुन लिए और देख भी लिए, और मैं एक बार जो है जितना फ्लोट जो है ना सेल हो गया है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब तक आप देखेंगे तो मालूम आपको पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे सेलिंग चालू है। जो लाल कलर में आप लोगों को दिखता होगा, देखिए ये लाल कलर में जितना दिखता है ना वो टोटल फ्लोट जो है सेल हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं। और देखिए इधर जो आप देख रहे हैं ना, तो ये फ्लोट अभी खाली है, इधर भी खाली है, और ये जो है इधर भी खाली है। और ये दुकान का जो है ना, दुकान तो आप लेना चाहेंगे दुकान मिल जाएगा, लेकिन दुकान के बारे में भाई अलग अलग साइज़ है, अलग अलग रेट है, तो विजिट करेंगे तभी जाकर मालूम होगा। और इसके बाद जो भी है मैं आपको बता दिया, और इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि देखिए ये सब टोटल इन टाइटल क्लियर ये प्लान है, और पूरी सोसाइटी जो है अभी यहाँ पे बहुत सेल हो गया है, तो तैयार मकान भी आपको चाहिए तो मिल जाएगा। और नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।